हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफेट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज यहां पे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं 94 शिक्षक बहाली की जो तृतीय चरण की काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में, क्योंकि न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसे सामने निकल के आ रही हैं जिसके माध्यम से ये लग रहा है कि तृतीय चरण की काउंसलिंग की जो तैयारियां हैं नियोजन इकाई के स्तर पर जो है कंप्लीट नहीं हो पा रही है या कहीं ना कहीं सुस्ती दिखाई दे रही है। उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किन चीजों में आखिर सुस्ती नजर आ रही है, क्योंकि आप लोग सभी लोग देख रहे हैं शुरुआत से कि फर्स्ट फेज की भी जो काउंसलिंग हुई थी और सेकंड फेज की भी काउंसलिंग हुई थी, बहुत कड़े निर्देश जारी करने के बावजूद बिहार शिक्षा विभाग ने काफी कड़े निर्देश जारी किए थे कि निर्णय कहीं पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि निर्णय कहीं पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते जो है फर्स्ट फेज में भी बहुत जगह काउंसलिंग नहीं हुई थी, सेकंड फेज में बहुत जगह काउंसलिंग नहीं हुई थी, और इसके साथ ही जो है नियोजन इकाई ने अपनी मनमानी भी की थी काउंसलिंग कराते समय। तो वही चीज जो है यहाँ पे एक बार और दिखाई दे रही है, तो इसी सब मुद्दों को यहाँ पे लेकर के आए हैं आपके सामने, और इस वीडियो को जो है शेयर करिएगा ताकि ये बात जो है शिक्षा विभाग तक पहुंचे। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे जो बात उठ रही है कि अभी जो न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है कि बहुत सारी ऐसी नियोजन इकाइयां जिनकी जो है औबंधिक मेधा सूची अभी तक जारी नहीं की गई है, ठीक है, क्योंकि जो है डेट्स जो है पहले से डिक्लेयर कर दी गई है। अभी मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो है जो डेट्स जो है वो क्या है, तो यहाँ पर जो है ये चीज क्लियर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो मेधा सूची जारी करने की जो डेट्स हैं वो जो है जारी हो चुकी हैं, मेधा सूची भी नहीं जारी की गई है। यहाँ तक कि सत्यापन का जो संशोधन का काम था, आपत्तियों का जो सुधार था, संशोधन था, उसके बारे में भी कोई खबर नहीं मिल रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि जो डेट्स जो है जारी की गई है आपत्तियों का सुधार संशोधन करने के लिए, तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जिन भी अभ्यर्थियों को आपत्तियों का सुधार संशोधन कराना है वो जिला वेबसाइट खोले, अगर उस पर आपत्तियों संशोधन का सुधार से संबंधित लिंक उपलब्ध है तो वहां से क्लिक करके आप अपनी आपत्ति डाल सकते हैं। अगर वहां से भी काम नहीं होता तो आप ऑफलाइन जाके नियोजन निकाय के ऑफिस में मिल करके वहां पे बकायदा प्रार्थना पत्र देके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा करके अपना नाम मेरिट सुधार करवा सकते हैं, कैटेगरी सुधार करवा सकते हैं। अगर वहां से भी नहीं होता तो आप सीधे डीओ के पास चले जाइए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास चले जाइए या डीपीओ के पास चले जाइए अपनी कंप्लेन लेके। अगर वहां भी सुनवाई नहीं होती तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के ऑफिस में जाइए, वहां पे बात करिए कि सर हमारा नियोजन निकाय में जो है काउंसलिंग होना है थर्ड फेज का, और मेरा आपत्तियों को सुधार संशोधन जो है नियोजन निकाय के माध्यम से नहीं किया जा रहा है, मैं इन लोगों से मिल चुका हूं। उसके बाद आप वहां पे जाइए, आप अपना काम बिल्कुल कंप्लीट करा लीजिए, आपका जो सुधार संशोधन है वो करवा लीजिए, नहीं तो थर्ड फेज की काउंसलिंग के नियोजन प्रक्रिया से आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आपका नाम ही नहीं होगा या मेरिट ही गलत होगी या कैटेगरी गलत होगी तो आपका नाम आने की कोई संभावना ही नहीं है, ना नाम पुकारने की कोई संभावना, ये काम तो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है कि कट ऑफ नहीं बताया जा रहा है, फर्स्ट फेज की जहाँ काउंसलिंग होने जो हुआ था उसका तो कोई मैटर ही नहीं है क्योंकि वहां तो कट ऑफ शुरू से ही शुरू होगी, लेकिन जहां पे सेकंड फेज की जो है काउंसलिंग जो है रद्द की गई है, स्थगित की गई है, वहां का कट ऑफ मालूम होना बहुत जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि कहीं उस कट ऑफ से ऊपर के लोगों का तो जो है चयन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उस कट ऑफ के नीचे के लोगों का ही चयन होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। उससे ऊपर के लोगों का चयन जो है किसी भी नियोजन इकाई को नहीं करना है। सेकंड काउंसलिंग जहां जहां पर रद्द हुई थी, स्थगित हुई थी, वहां पर पिछली जो कट ऑफ रही है फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में, उस कट ऑफ के बाद ही वहां पर काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा अभ्यर्थियों को, क्योंकि ये नियम में है। बिहार शिक्षा विभाग के जो रंजीत सर थे उन्होंने नियम बताया था कि अगर कोई फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में अब्सेंट रहता है उस पर्टिकुलर कट ऑफ तक, तो वो अगले फेज की काउंसलिंग में वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है क्योंकि उसको अब्सेंट माना जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ जो रहेगा पिछली जो फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग हुई थी वहां के बाद का जो है कट ऑफ वहीं से नीचे से शुरू होना चाहिए ताकि जो लो मेरिट के अभ्यर्थी उनको मौका मिल सके, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे जो है लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे जो उस दिन जब फर्स्ट फेज की काउंसलिंग हो रही थी तो कहीं और गए होंगे और वहां पे उस सप्तम का सिलेक्शन ना हुआ हो, तो इस बार बिल्कुल जो है फर्स्ट फेज सेकंड फेज की जो है काउंसलिंग हो रही है यहाँ लो मेरिट की संभावना है, ठीक है, वहां पर बिल्कुल उपस्थित होंगे, जिससे वहां का कट ऑफ जो है हाई चला जाएगा, जो कि बिल्कुल नियम के विपरीत है। क्योंकि जब फर्स्ट फेज की काउंसलिंग हो चुकी है तो उसके कट ऑफ के नीचे ही कट ऑफ शुरू होना चाहिए, उसके ऊपर से कट ऑफ नहीं शुरू होगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो सेकंड फेज की जहां जहां काउंसलिंग हो रही है वहां पर जब आप काउंसलिंग कराइएगा तो ये शिक्षक अभ्यर्थियों का कर्तव्य है और दायित्व है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि जो कट ऑफ शुरू हो रहा है वो पिछले कट ऑफ से ही जो खत्म हुआ था वहां से शुरू हो या उसके नीचे से शुरू हो, ठीक है। ये जो है विशेष बात आप लोग को जो है ध्यान रखनी होगी। और इसके साथ ही जो है दूसरा जो काम है वो ये है कि रोस्टर नहीं जारी किया गया है। जहां फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग हुई थी वहां का रोस्टर तो सेम रहेगा, यानी शुरू से जो रोस्टर डिक्लेयर किया गया था वो रोस्टर वहां सेम रहेगा। अगर आप रोस्टर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है एक रोस्टर, ठीक है, बिहार टीचर रोस्टर के नाम से चैनल प्लेलिस्ट अलग समझनी है, आप मेरे चैनल में जाइएगा सर्च में, ठीक है, तो वहां पे आपको रोस्टर मिल जाएगा, आप वहां से सीटें देख सकते हैं कि कहां पे कितनी सीटें हैं,
तो ये रोस्टर फर्स्ट फेज की काउंसलिंग आपको वहां से मिल जाएगा, लेकिन सेकंड फेज की जो काउंसलिंग हुई है जहां पर जितनी सीटों पे काउंसलिंग हुई है तो उसका रोस्टर भी जो है नियोजन इकाइयों को जारी करना चाहिए, जहां पर सेकंड फेज का रद्द हुआ है कि वहां पर कितनी सीटें बची हैं, किस कैटेगरी में सीटें बची हैं, ताकि जो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने चाहे तो उसको जो है आसानी हो सके, ताकि उसको पता चले कि हमारी सीट वहां है कि नहीं है, जिससे जो है क्या होगा वो सही काउंसलिंग प्लेस का चयन कर पाएगा कि हमको कहाँ पे काउंसलिंग करानी है। पता चला कि उसको रोस्टर का पता ही नहीं है और वो जो है काउंसलिंग कराने पहुंच गया, बाद में पता चलता है कि वहां तो कैटेगरी की सीट ही नहीं है या मेरी सीट ही नहीं है, जीरो है, तो अब क्या करेगा, वहां से दूसरी नियोजन इकाई में जाएगा तो उसको हो सकता है टाइम एक्सपेंड हो, तो उसका जो है समय बर्बाद होगा। इसके लिए चाहिए कि जो जितनी नियोजन इकाइयां जहां पे सेकंड फेज की जो काउंसलिंग होने वाली है वहां का जो है रोस्टर भी जारी किया जाए कि कितनी सीटें बची हैं, किस कैटेगरी में बची हैं, ठीक है। तो कट ऑफ जारी किया जाए सेकंड काउंसलिंग जहां जहां हो रही है, और उसके साथ जो है रोस्टर जारी किया जाए जहां पे सेकंड काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग जहां रद्द हुई थी वहां का रोस्टर और कट ऑफ स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, और जो पहले रोस्टर था वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगली चीज जो थी मेधा सूची वगैरह के बारे में, तो मेधा सूची जो है आपका जो है आपत्तियों को सुधार और संशोधन के बाद ही औपबंधिक मेधा सूची फाइनल करके जो है जारी की जाएगी, इसको फाइनल मेरिट लिस्ट कहते हैं, तो उसमें भी आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा, जो कि आपत्ति और सुधार के बाद ही जारी की जाएगी। तो कुछ डेट्स आ गई हैं, आप लोग सब आपत्तियों का सुधार संशोधन अपना करा लीजिएगा जो भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे तीन ही डिमांड है कि पहले तो आपत्तियों का सुधार संशोधन किया जाए, ऐसा बिहार शिक्षा विभाग अपने संज्ञान में बात को ले, और इसके साथ ही जो है दो बातें और संज्ञान में लेने की जरूरत है, तो वो है कि कट ऑफ जारी किया जाए जहां पे सेकंड काउंसलिंग हो रही है, और जहां पर सेकंड काउंसलिंग हो रही है वहां का रोस्टर जारी किया जाए। ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड फेज की काउंसलिंग के लिए, और इसके लिए जो है सभी लोगों को एकजुट होकर एक साथ जो है आवाज उठानी चाहिए। तो आवाज तो मैंने उठा दी, यहां से मैंने जो है बात कर दी है, आपकी बात जो है अपने चैनल पर रख दी है, अब आपका दायित्व बनता है कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बात जो है बिहार से जगह तक पहुंचे। तो मेरी एक इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।